वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? मस्त। देखिए, आज का सेशन है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है? इलेक्ट्रॉन हमने देखा तो है नहीं, और इलेक्ट्रॉन हमारी केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमने देखा ही नहीं है और हम पूरी केमिस्ट्री समझना चाहते हैं, रैंक वन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमने देखा नहीं है तो कैसे करेंगे? भाइयों, इलेक्ट्रॉन हैज़ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। श्रोडिंगर बता के गए हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखे गए हैं, मैं उस पर नहीं चर्चा करूँगा, उसका नाम भी नहीं लूँगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉन को आप सोचिए, जिन क्या हुक्म है मेरे आका, बॉटल में बंद रहता था जिन, जैसी बॉटल खुलती थी क्या बाहर नहीं आता था? आता था। यानी कि जिन जो है वो हमेशा ही बाहर आना चाहता है, यानी कि कोई भी गैसियस चीज है अगर बंद है तो वो मजबूरी है उसकी, वो हमेशा बाहर आना चाहती है, बस मौका मिलना चाहिए। वो कभी नहीं ऐसा रुकेगी कि भाई मौका मिला है मैं बंद रहना चाहती हूँ, ना, वो हमेशा बाहर आना चाहती है। गैस हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर है, जैसे नॉब खोलोगे बाहर आएगी, आप जला देते हो उसको, सेंट खुशबू परफ्यूम आप लगाते हो सबको सुगंध आती है। बॉटल के अंदर जब तक बंद रहती है, ख़रीदने जाते हो बंद होती है, किसी को खुशबू नहीं आती, जैसी बॉटल खोलोगे खुशबू आती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है, आज़ादी चाहता है, मूव करना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शर्तें हैं मूव करने की। ऐसे नहीं कि कहीं भी ऐसे ही चला जाए खुले में, ना, खुले में नहीं जाता है, शर्तें हैं। इलेक्ट्रॉन कहता है मेरे मूव करने के लिए मुझे प्योर पी ऑर्बिटल चाहिए, ऐसा ऑर्बिटल चाहिए जो अनहाइब्रिडाइज्ड हो। अनहाइब्रिडाइज्ड मींस जो हाइब्रिडाइज्ड ना हो, प्योर हो, तब खाली हो पूरा, एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो उसमें। जैसे कि आपने टाइटल देखा, एक आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने, जिससे कि बच्चों को समझ में आया। बच्चे कहते हैं सर हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग मीजोमेरिक इफेक्ट कब होगा कब नहीं होगा, इसमें बहुत दिक्कत होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो बच्चा लोग, मैंने ये आपके लिए बनाया वीडियो, आपको ये समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है, कैसे बैक बॉन्डिंग होती है, कैसे डीलोकलाइजेशन होता है, कैसे रेजोनेंस होता है, ये सारी बातें आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आए, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। अब बच्चा लोग मुझे एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन जो मैंने शो किया है थंबनेल पे, उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आर्टिफिशियल है। इलेक्ट्रॉन को इतने आराम से देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आर्टिफिशियल इमेजिनरी इलेक्ट्रॉन बनाया है जिससे आपको हर बात समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन के हाथ बनाए मैंने, मैंने पैर बनाए हैं, फर्स्ट टाइम बनाया है। तो हाथ निकलने के लिए एक प्योर लोब चाहिए, और पैर निकलने के लिए भी लोब चाहिए। एक प्योर पी ऑर्बिटल के दो लोब्स होते हैं, एक प्योर पी ऑर्बिटल के, यानी कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है उसके दो लोब्स होते हैं। दो लोब मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके हाथ निकलेंगे एक लोब से पैर निकलेंगे, ऐसे इमेजिन कर लो। यानी कि कभी भी बैक बॉन्डिंग करना है तो पड़ोसी एटम के पास प्योर पी ऑर्बिटल चाहिए। रेजोनेंस करना है इलेक्ट्रॉन ने, मूव करना है, इलेक्ट्रॉन वॉक, ये नया टर्म आपके सामने आया होगा, मून वॉक सुना होगा, फैशन डिज़ाइनर वॉक करते हैं, बहुत सारी वॉक होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब वॉक करता है तो इलेक्ट्रॉन को खुशी मिलती है। इलेक्ट्रॉन को खुशी मिलती है तो कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है। याद रखिएगा, कंपाउंड वही स्टेबल होगा जिसमें उसका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव देन दैट कंपाउंड इज नॉट स्टेबल। भाई कंपाउंड बना तो इलेक्ट्रॉन से ही है ना, और इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं कर पाएगा तो कंपाउंड कैसे स्टेबल होगा, हैं? तो ई वॉक, इलेक्ट्रॉन वॉक नाम दिया है। इलेक्ट्रॉन वॉक से रेजोनेंस हो सकता है, बैक बॉन्डिंग हो सकती है, मीजोमेरिक इफेक्ट हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है, नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, सब कुछ होंगी अगर कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन है और उसके पड़ोस में प्योर पी ऑर्बिटल है जिसके दोनों लोब्स खाली हैं।
तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो जिस एटम से दूसरे एटम पे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्डेड होंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड तो पहले से होगा, सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर आते ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी। यानी कि अगर कोई लोन पेयर किसी एटम के पास है, जस्ट लाइक ट्राई मिथाइल सिलेन, और वो बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो उसने बेसिक करेक्टर को डिक्रीज कर दिया, बैक बॉन्डिंग से बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है, और बैक बॉन्डिंग से एसिडिक करेक्टर भी डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल BF3, BCl3, BBr3, BI3, BF3 में 2p pi बैक बॉन्डिंग है, मतलब बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग है, यानी कि इसका लोएस्ट एसिड करेक्टर डिक्रीज हो गया है। दैट मीन्स बी बी बैक बॉन्डिंग, बी बी फॉर बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जब होती है तो किसी एसिड का एसिडिक करेक्टर भी डिक्रीज होता है, और किसी जो बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बेस होता है, तो उसका बेसिक करेक्टर भी डिक्रीज होता है। तो क्या बच्चा बात समझ में आई? अगर रेजोनेंस हो रहा है, दैट इज बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग इज नोन एज टू एटम रेजोनेंस, दो एटम के बीच की कहानी है। एक एटम इलेक्ट्रॉन को खो रहा है और एक एटम इलेक्ट्रॉन को पा रहा है, इसको ही बैक बॉन्डिंग कहते हैं। 2p pi 2p pi एक्सेलेंट बैक बॉन्डिंग, 2p pi 3d pi ओके, मतलब यू कैन से एक्सेलेंट के बाद बेस्ट बैक बॉन्डिंग, और 2p pi 3p pi गुड बैक बॉन्डिंग, यानी कि सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कौन सी है? 2p pi 2p pi रिश्ता बराबरी का अच्छा, देन 2p pi 3d pi, देन 2p pi 3p pi। इसके अलावा जितनी भी बैक बॉन्डिंग होती है, दे आर कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग्स। बैक बॉन्डिंग से अगर कोई एसिड है, लुइस एसिड, तो उसका एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा, और अगर कोई बेस है तो उसका बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल एक नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल लगे हैं, हम नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन मिथाइल कह रहा है मेरे पास तो भैया कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि वैकेंट डी ऑर्बिटल इनफाइनाइट हैं, लेकिन लो एनर्जी का वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन के पास 3 मिथाइल लगे हैं, कार्बन कहता है मेरे तो ऑल दी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, जबकि इनफाइनाइट ऑर्बिटल्स आर अनफिल्ड, लेकिन कार्बन बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड को, तो उसका सेकेंड पीरियड का कोई भी ऑर्बिटल अनफिल्ड नहीं है, जबकि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर 2p में है, लेकिन कार्बन का 2p तो भैया बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और 2d होता नहीं, तो कार्बन कह रहा है भैया आई कैन नॉट टेक योर लोन पेयर, नो बैक बॉन्डिंग। लेकिन अगर यही ट्राई मिथाइल सिलेन की बात करूं, मतलब नाइट्रोजन पे 3 सिलिकॉन लगे हैं, तो सिलिकॉन बिलोंग्स टू 3rd पीरियड, सिलिकॉन कहता है मेरे जो मिथाइल लगे हैं वो 3p में लगे हैं, लेकिन मेरा 3d अभी भी खाली है, आ जा नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को मेरे 3d में दे दे, तो भैया डिफरेंस क्या आएगा? नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल लगे हैं तो वो पिरामिडल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन नाइट्रोजन पे 3 सिलिकॉन लगे हैं, ट्राई मिथाइल सिलेन, सो ट्राई मिथाइल सिलेन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन का हो गया। भैया याद रखना, मेरे घर में 5 फैमिली मेंबर हैं और 2 भगवान हैं, शिव और विष्णु, क्या मैं 7 लोगों का नाम लिखाया होऊंगा अपने राशन कार्ड पे? नहीं, राशन कार्ड पे 5 लोगों का नाम लिखा है, भगवान के नाम नहीं है। क्यों? भगवान तो सबका है, जो सबका है उसको मैं अपना नहीं बोल सकता। हु एम आई टू से गॉड इज माइन ओनली? जो सबका होता है वो सिर्फ आपका नहीं, और जो सिर्फ आपका नहीं उसको आप अपना नहीं कह सकते, सिर्फ अपना नहीं कह सकते, यानी कि वो स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होगा। यानी कि ट्राई मिथाइल सिलेन में सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि लोन पेयर इज टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, वो तो डीलोकलाइज्ड है, डोला रे डोला डोला सी है, जबकि ट्राई मिथाइल अमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे लोकलाइज्ड है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता, तो वो उस नाइट्रोजन का ही है, जो सिर्फ एक का है वो उसका अपना है। तो 3
सिग्मा वन प्लस एक लोन पेयर स्टेरिक नंबर हो गया 4, इसका मतलब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ये लोन पेयर इजिली डोनेट हो जाएगा किसी प्रोटॉन पे, यानी कि दिस इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू ट्राईमिथाइल सिलेन, क्योंकि ट्राईमिथाइल सिलेन का लोन पेयर तो भाग रहा है। लोन पेयर इज लाइक खरगोश, रैबिट, और प्रोटोन इज लाइक डॉगी, डॉगी ने अटैक करना है। अब जो खरगोश बंधा हुआ है वो जल्दी मारा जाएगा, तो नाइट्रोजन पे जो 3 मिथाइल लगे हैं उसका लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है, जल्दी मारा जाएगा, और ट्राईमिथाइल सिलेन के केस में वो भाग जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, तो उस पर अटैक ईजिली नहीं होगा। दैट्स वाई ट्राईमिथाइल अमीन इज मोर बेसिक दैन ट्राईमिथाइल सिलेन, यानी कि बैक बॉन्डिंग बेसिक करेक्टर को डिक्रीज करता है और बैक बॉन्डिंग एसिडिक करेक्टर को भी डिक्रीज करता है। जिसके पास है बी, क्या चीज़ मुझे दे दी, मेरा एसिडिक करेक्टर भी डिक्रीज कर रही है और बेसिक करेक्टर भी डिक्रीज कर रही है। और वैसे भी भाइयों, अगर आम जिंदगी में देखें तो बीवी एक ऐसी चीज़ होती है अमीर की अमीरियत कम करती है और गरीब की गरीबियत कम करती है। अगर अमीर कोई बंदा है खूब शॉपिंग करेगी उसकी अमीरपन को कम करेगी, और कोई गरीब बंदा है तो ऐसे जुट जाएगी काम में कि उसकी गरीबी कम कर देगी। बीवी तो होती ही ऐसी है, गरीब की गरीबी कम करती है और अमीर की अमीरी कम करती है। केमिस्ट्री में भी बीवी बड़ी काम की चीज़, बैक बॉन्डिंग, और आम जिंदगी में भी बीवी बहुत काम की चीज़, गरीब की गरीबी कम करती है, अमीर की अमीरी कम करती है। केमिस्ट्री में बोलें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ अगर है किसी कंपाउंड में और बैक बॉन्डिंग हो रही है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती है, फॉर एग्जांपल ट्राईमिथाइलामीन एंड ट्राईमिथाइल सिलेन। और कोई अमीर है ये तो हो गया, कोई गरीब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड तो उसकी गरीबी भी कम करती है। BF3, BBr3, BCl3, Bi3, तो BF3 में बढ़िया बैक बॉन्डिंग है 2p pi 2p pi, तो उसकी गरीबी को भी उसने बहुत अच्छे से कम किया है, राइट। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बताइएगा कैसा लगा आपको लेक्चर, ऐसे ही बनाता रहूँगा आपकी नीट के सिलेक्शन तक आपकी हेल्प करता रहूँगा। रात के 12 बज रहे हैं लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे नींद नहीं है, क्यों कि मुझे पता है मेरे बच्चे जाग रहे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे। आपका लव, सपोर्ट और इतने बढ़िया कमेंट्स मुझे ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही मुझे बताते रहिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, मैं और बनाऊंगा। आपका सिलेक्शन मेरी पहली चॉइस है, राइट। बाय टू ऑल ऑफ़ यू।